फुलन जी, आप हमें बताएंगी कि आपको ये नया जीवन जेल के बाहर का कैसा लग रहा है और आप किस प्रकार से अपने आप को इस जीवन में ढालने की कोशिश कर रही हैं? पहले की फुलन जो जेल में थी या जेल के जो बाहर थी, उस फुलन में और अभी की फुलन में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं? वैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमें तो जो दिखाई पड़ रहा है ठीक है, आप बताइए क्योंकि मैंने पहले की फुलन को तो देखा नहीं है ना। आपको अपना कैसा लग रहा है पहले? बहुत बस अजीब सा लगता है, वो बातें जो पहले की याद आती हैं तो मेरे वैसा लगता है थोड़ा। अब तो धरती आसमान का फर्क है। पहले की बातें अभी भी याद आती हैं? ना ना, वो जो पहला मेरा जैसा वो थोड़ा स्वभाव खराब था ना, चिड़चिड़ा। अच्छा, लेकिन जेल में आपका कैसा था? ये अंतर कब से आया? आपका स्वभाव की चिड़चिड़ाहटपन कब से खत्म होनी शुरू हुई? अब आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है जेल के बाहर निकल के? हाँ, जेल के बाहर के क्यों नहीं लगेगा अच्छा। जेल में जैसे औरतों के बीच रहना और उनके बीच सब अच्छा, अच्छे सभ्यते वाले घर से भी होती हैं जो दहेज वहेज के केस में अंदर आ जाती हैं, समझाती हैं ऐसा नहीं ऐसा। कुछ वहाँ के कर्मचारी भी अच्छे थे जो एक हर एक चीज़ को अच्छे हिसाब से बताते, ऐसा बोला करो, ऐसे बैठा करो, ऐसे खाना खाया करो। आप बिल्कुल खुश हैं? अभी तो फिलहाल खुश हूँ। और आप क्या चाहेंगे? बिल्कुल ऐसी बंधी हुई जिंदगी से थोड़ा आज़ादी मिली है। जैसे जेल में तो वो बंधन तो बहुत बहुत बुरा होता है, उतने तरह का ऐसा होता है जैसे हाथ वो पक्षी के पर काट दो और कहीं भी डाल दो, फड़कता रहता है। जेल के अंदर तो ऐसा होता है। अब अभी फिलहाल इतनी आज़ादी तो नहीं है। अब वैसी आज़ादी जो मैं घर थी, ऐसी आज़ादी तो अब मिलेगी जब दूसरा जन्म मिलेगा, पर फिर भी आज़ादी तो आज़ादी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन अभी भी आपकी आज़ादी पूरी नहीं है? ये पूर्ण अभी आज़ादी भी थोड़ा नहीं, नहीं अभी कहाँ आज़ादी है, पूरी तरह से छूटी भी नहीं। जेल में जाने की पहले जो स्थिति थी वो इससे अच्छी थी? जेल में जाने के पहले जो स्थिति थी आपकी, आपका अपना अपना लाइफ था, आपका अपना जीवन था, अपने पे नहीं, खैर इतना अच्छा तो नहीं था वो जिंदगी, वो जीवन तो अच्छा नहीं होता, वो तो बहुत ही बुरा होता है। पर फिर भी जीने पड़ता है, एकदम तनावपूर्ण जिंदगी रहती है। अच्छा, पर ये जिंदगी कुछ दूसरी तरह की है, समाज में रह सकते हैं, जा सकते हैं, और वो जिंदगी तो बहुत ही खराब होती है। आपने कहा था कि आप कुछ करना भी चाहती हैं समाज के लिए, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, करना चाहती हूँ, संगठन बना रही हूँ ना जल्दी ही, जो जेल की औरतों के लिए और वैसी भी औरतें हैं और कुछ जो हमारे हमारे समाज की जो गरीब भाई है, शोषण जिनका हर एक तरह का शोषण होता है, उनके लिए हम कुछ करना चाहेंगे और करती रहूँगी। और अभी तो हर एक तरह से हमारे समाज के भाई, वैसे हर एक समाज के लोग हमें साथ दे रहे हैं सब लोग, और वही सब लोग कह रहे हैं कि तुम ऐसा संगठन बनाओ, हम हर एक तरह से तैयार हैं, आर्थिक रूप से भी वैसे भी साथ देने में और संग चलेंगे। आप पे जो फिल्म बनी है, आपने उसको देखा है या उसके बारे में सुना है? सुना तो है पर देखा नहीं है, किताब देखी है वो भी नहीं पढ़ाई अभी तक, फिल्म देखी नहीं है अभी तक। क्या सुना है फिल्म के बारे में? पता नहीं क्या, यही सुना फिल्म बनी है वहाँ लंदन में, और कोई सीमा विश्वास लड़की थी जिसने मेरा फूलन का रोल भूमिका निभाई है। कैसा लग रहा है आपको ये सब सुन के कि आप पे फिल्म बनी? कैसा भी नहीं है, पहले भी तो बनी है, उसने बनाई थी वो रीता बादली, फूलन बनी थी, पर फिल्म को देख के नहीं लगता है कि ये मेरी कहानी है या मेरे आज वो रोल कोई निभा रहा है, भूमिका निभा रहा है। मैंने देखी तो फिल्म तो नहीं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है। लेकिन इस फिल्म से आपको ये आशा है कि ये आप ही की कहानी होगी? हो सकता है, आशा तो होगी है, हो सकता है कि वो शेखर कपूर भी मिले, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हमने वही बनाना चाहा है, और भी कई लोग मिले जो बोवी बेदी हैं, उनकी मैसेज मिली। आपके अनुसार आपके जीवन का वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जो आप उस फिल्म में दिखाना चाहेंगी? सबसे महत्वपूर्ण दिन तो मेरा वही है जब मैं जेल से छूटी।
अच्छा, आपके ऊपर एक किताब भी लिखी जा रही है, आत्मकथा लिख रही हैं आप या लिखवा रही हैं, तो ये कब तक आएगी छपके? जल्दी आ जाएगी, 2-4 महीना, 6 महीने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 6 महीने के अंदर अंदर ही आ जाएगी वो किताब। ये जो फ्रांसीसी कंपनी आप पे किताब लिख रही है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगी? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। लिखी जा रही है और वो भी 28 भाषाओं में लिखी जाएगी। कोई फ्रांसी कंपनी है, याद नहीं आ रहा कंपनी उसका, वो कंपनी का वो ढूंढे लेटर पर। कब तक ये किताब छप के आ जाएगी? कितना लिखा जा चुका है और कब तक छप के आ जाएगी? बस मैं जेल में आ चुकी हूँ, उस लिखने का तो मैं कुछ पता नहीं है, पर उनको जो मैं बताती हूँ ना, जेल में आ चुकी हूँ और 5-6 महीना के अंदर आ जाएगी वो किताब, जल्दी ही आ जाएगी।